वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी के इनडायरेक्ट वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक को हिंदी में सौंदर्य कहा जाता है, तो एस्थेटिक वैल्यू को हम हिंदी में सौंदर्य मूल्य या सौंदर्य मूल्य कह सकते हैं। एस्थेटिक वैल्यू जो है, कभी इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी का यूज कैसे हम कर सकते हैं। बायोडायवर्सिटी के यूज को समझने के लिए क्या कभी आपने सोचा है कि एक बैरन लैंड है, पूरी यहाँ कोई ना तो पेड़ पौधे हैं ना जीव जंतु है, क्या उस जगह पर जाने से हमको बहुत सुकून मिलता है? क्या हम वहां जाना पसंद करते हैं? क्या हम फैमिली के साथ वहां जाना पसंद करते हैं या क्या हम वहां रहना पसंद करते हैं? तो ये बायोडायवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो नोइंगली अनोइंगली हमको एक बहुत सुकून देती है, उसके नेचुरल ब्यूटी से हमको बहुत सुकून मिलता है और हम इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करने को भी तैयार रहते हैं। बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, पिकनिक पे जाना होता है तो भी हम वही एरिया चूज करते हैं जहां नेचुरल ब्यूटी हो। रिलैक्स होने जाना हुआ, टूरिज्म के लिए जाना हुआ, तो आजकल इको टूरिज्म बहुत फेमस है। इको टूरिज्म का मतलब होता है कि बायोडायवर्सिटी के स्पॉट्स देखने के लिए लोग जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं। वो ट्रिप बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसपे हम नेचर से बहुत जुड़े हुए होते हैं। जाने के बाद हमको पता चलता है कि नेचर का क्या रोल है। आज स्थिति ऐसी है कि हम अपना पूरा काम एक एसी रूम में ही बिता के कर लेते हैं, लेकिन कभी गांव की खुली हवा में जाके देखिए, आपको अलग ही फीलिंग आएगा। वहां दिन भर भी रहने से आपको हेडेक नहीं होगा। ये मैं आजकल की चीजों के बारे में बुराई या ड्रॉबैक्स नहीं बता रही हूं, लेकिन ये फैक्ट है कि नेचर जो है वो उसमें इतना पावर है कि वो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है। कारण है कि हम भी तो नेचर के ही एक पार्ट है और एक पार्ट दूसरे पार्ट को हमेशा से ही सपोर्ट करता है। एस्थेटिक वैल्यूज के लिए, अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने ऑफिस की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए हम ज्यादातर प्लांट्स लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जिसकी एस्थेटिक वैल्यू और हम पसंद करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, फर्न के पौधे, ओलिव ट्री, बहुत सारे पौधों के हम बोनसाइज बना लेते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, लिली, रोज, वाटर लिली, कैक्टस। आजकल कैक्टस जो जीरोफिटिक प्लांट है, उसकी भी एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि कैक्टस में ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता, पानी नहीं डालना होता उस पर, वो जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या है? वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन पे भी वो सर्वाइव कर जाता है, इसलिए लोग कैक्टस लगाना पसंद कर रहे हैं। कैक्टस की बहुत सारी वैरायटीज हैं। इन सब चीजों के लिए हम बहुत कुछ पे करने को भी तैयार है। आपको पता है कि एक एस्टिमेशन है कि लास्ट टाइम इको टूरिज्म का जब वैल्यूएशन हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, तो $12 बिलियन रेवेन्यू एनुअली जनरेट होती है बिकॉज ऑफ दैट इको टूरिज्म। और इको टूरिज्म बिजनेस आया कैसे? बिकॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी। हम पढ़ते हैं भी हैं, हम जानते भी हैं कि हर स्टेट की अलग अलग ब्यूटी होती है, और आजकल इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट वाइज पैसेंजर्स को बुलाया भी जाता है, जो पसंद करते हैं घूमना वेकेशंस में, उनके लिए अलग से पैकेजेस भी दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है वो नेचर के साथ हमारे रिलेशनशिप को, हमारी फीलिंग्स को और इन्हेंस करता है और जोड़ता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज अगर हम कोई बहुत अच्छा ऑफिस या घर या अपना घर बनवाते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं ताकि उसका इंटीरियर बहुत अच्छा हो। और आजकल तो आपने देखा भी होगा, इन्हीं प्लांट्स का सिंथेटिक वर्जन आ गया है, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट्स आ गए हैं जो इंटीरियर्स के लिए रखे जाते हैं घर में, ऑफिस में, मॉल्स में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू कितनी ज्यादा है कि अगर नेचुरल वे पे नहीं मिल रहा है तो हम इसको आर्टिफिशियली उसका क्लोन बना करके, सेम उसी के समान बना करके इसको यूज कर रहे हैं और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ये पूरा था एस्थेटिक वैल्यू बायोडायवर्सिटी का।